आपका टॉपिक रूसो चल रहा था पिछली कक्षा में, और हमने रूसो के चिंतन में किस प्रकार से व्यक्तिवाद, समाजवाद, निरंकुशवाद और लोकतंत्रवादी विचारधारा का हमने उसमें जो है स्पष्ट रूप से हमें परिलक्षित होता है, किस प्रकार से रूसो के चिंतन में व्यक्तिवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, निरंकुशवाद और लोकतंत्रवादी विचारधारा का हमें जो है संगम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार रूसो का चिंतन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में रूसो के विचार के द्वारा हमें एक नए जो है उसमें स्पष्ट रूप से इन सब चीजों का समावेश हमें देखने को मिलता है कि उसके चिंतन में हमें व्यक्तिवाद, समाजवाद, निरंकुश शासन और लोकतंत्र का हमें जो है पूरी तरह से सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, इस प्रकार से रूसो के चिंतन को हम राजनीति विज्ञान में उसकी महत्वपूर्ण देन मानते हैं, और उसकी आलोचना हम करते हैं कि रूसो का जो चिंतन है उसकी आलोचना किस प्रकार से है। तो देखिए, रूसो के जो है विचारों की आलोचना हम देखते हैं कि रूसो के विचारों की आलोचना किस प्रकार से है। रूसो के विचारों की आलोचना, देखिए, रूसो के विचारों की आलोचना में हम देखते हैं, पहला पॉइंट है विचारधारा अत्यधिक अस्पष्ट और जटिल है। तो देखिए, रूसो के चिंतन में हमें जटिलता देखने को मिलती है कि किस प्रकार से रूसो जो है वो सामान्य इच्छा की बात करता है, और सामान्य इच्छा का विचार जो है बहुत ही जटिल है, और रूसो व्यक्ति को सामान्य इच्छा का दासत्व स्वीकार करने के लिए छोड़ देता है कि सामान्य इच्छा जो है उसका आदेश व्यक्तियों को मानना होगा, और सामान्य विचार, सामान्य इच्छा का जो विचार है बहुत ही अस्पष्ट और जटिल है कि हम सामान्य इच्छा को किस प्रकार से उसको डिफाइन करें, कि सामान्य इच्छा में आदर्श इच्छाएं जो है किस प्रकार से होंगी। तो इसका जो विचार है वो बहुत ही अस्पष्ट और जटिल है। तो देखिए, रूसो के चिंतन में हमें अस्पष्टता और जटिलता वो है देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट है मानव स्वभाव और मानवीय इतिहास की धारणा तर्क विरुद्ध है। तो देखिए, मानव स्वभाव और मानवीय इतिहास की धारणा गलत है। मानव स्वभाव और मानवीय इतिहास की धारणा, मानव स्वभाव और मानवीय इतिहास की धारणा गलत है। तो देखिए, मानव स्वभाव के बारे में वो कहता है कि मानव स्वभाव अच्छा था, लेकिन प्रकृति ने जो है या विज्ञान ने उसके स्वभाव को भ्रष्ट कर दिया है, उसका नैतिक पतन कर दिया है। तो देखिए, मानव स्वभाव के बारे में वो कहता है कि नोबल सेवेज की बात कर, कहता है कि व्यक्ति जो है प्राकृतिक रूप से जो है स्वच्छंद विचरण करता था, और प्राकृतिक जो है रमणीयता की बात, प्राकृतिक सौंदर्य की बात वो करता है। तो हमें मानवीय इतिहास में इस तरह का कोई नोबल सेवेज वाली धारणा में देखने को नहीं मिलती है कि किस प्रकार से मनुष्य जो है वो प्रकृति की ओर लौटने की बात करता है। तो हमें इस तरह का कहीं भी वर्णन मानवीय इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए मानव स्वभाव और मानवीय इतिहास की जो उसकी जो धारणा है वो बिल्कुल गलत है, हमें देखने को नहीं मिलती है। अगला है व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन। तो देखिए, रूसो जो है
व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत ही बल देता है, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हमें इसके सिद्धांत में देखने को मिलता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन। तो देखिए, व्यक्ति को स्वतंत्रता का वो पक्षधर होने के बावजूद भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन उसके विचारों में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, क्योंकि रूसो व्यक्ति को प्रमुख स्थान देता है, लेकिन फिर भी उसके चिंतन में सामान्य इच्छा क्या है? सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, और सामान्य इच्छा निरंकुश है, अदेह है, अविभाज्य है, अखंड है। तो इस कारण से सामान्य इच्छा पर किसी भी तरह का कोई अंकुश नहीं है, वो निरंकुश है। तो इसलिए सामान्य इच्छा निरंकुश होने के कारण जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता में कभी भी जो है दखल दे सकती है। इसलिए रूसो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मानव के लिए नैतिक रूप से आवश्यक मानता है, फिर भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन जो है उसमें सामान्य इच्छा के द्वारा कभी भी हो सकता है, क्योंकि सामान्य इच्छा निरंकुश है, सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, और वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का कभी भी हनन कर सकती है। तो इसलिए रूसो के चिंतन में व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार प्रतिनिधियात्मक शासन के संबंध में धारणा जो है बहुत ही त्रुटिपूर्ण है। तो देखिए, प्रतिनिधियात्मक शासन के संबंध में धारणा त्रुटिपूर्ण है। तो देखिए, प्रतिनिधियात्मक शासन के संबंध में प्रतिनिधियात्मक शासन के संबंध में धारणा त्रुटिपूर्ण है। तो देखिए, रूसो के चिंतन में हमें प्रतिनिधियात्मक शासन की झलक दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से हमें इसका कोई भी जो है जैसे कि कानून के शासन की बात है या विकेंद्रीकरण जो है उसकी बात है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात है या सत्ता की बात है, तो जो ये बहुत ही प्रतिनिधियात्मक शासन के प्रमुख आधार हैं, इन आधार स्तंभों का हमें उसके शासन उसके चिंतन में कहीं भी जो है स्पष्ट रूप से हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए प्रतिनिधियात्मक शासन के संबंध के बारे में उसकी धारणा क्या है? त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उसमें हमें इस प्रकार से जो है कोई भी कानून का निर्माण, शासन शक्ति, इस प्रकार के कोई भी जो है हमें उसके चिंतन में देखने को नहीं मिलता। अगला है राज्य और समाज में भेद न करना। राज्य और सरकार में भेद न करना। देखिए, रूसो की सबसे बड़ी गलती है कि वो राज्य और समाज में कोई भेद नहीं करता। सॉरी, सरकार नहीं है, यहां पर है समाज। राज्य और समाज में भेद न करना, वो राज्य को ही समाज मान बैठता है और सामाजिक समझौते के द्वारा समाज का बोलता है कि सामाजिक समझौते से मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते जो व्यक्तिगत हैसियत से होता है वो पुनः प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से वो राज्य और समाज में भेद नहीं करता, जबकि राज्य और समाज में स्पष्ट रूप से भेद जो है होता है। लेकिन रूसो राज्य और समाज में किसी प्रकार से स्पष्ट रूप से कोई विभाजक रेखा नहीं खींच पाता, इस कारण से उसके चिंतन में हमें राज्य और समाज में स्पष्ट रूप से भेद जो है नहीं दिखता है। अगला है कानून विषयक विचार जो है एकांगी है। तो देखिए, रूसो जो है कानून के बारे में मौन रहता है और उसके कानून विषयक विचार जो है एकांगी है, एक पक्षीय है। कानून विषयक विचार एकांगी है। अर्थात उसके चिंतन में हमें कानून के बारे में पूरी तरह से
स्पष्ट रूप से जो है जानकारी नहीं मिलती और कानून का क्षेत्र जो है संकुचित सा दिखता है। तो देखिए इस प्रकार से रूसो के चिंतन में कानून विषय विचार का एकांगीपना हमें देखने को मिलता है कि रूसो के चिंतन में कानून के बारे में हमें बिल्कुल ही संकुचित जो है दृष्टिकोण दिखाई देता है और कानून के बारे में स्पष्ट रूप से और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से पूरी तरह से विस्तृत व्याख्या हमें देखने को नहीं मिलती। इसलिए कानून विषय विचार हमें उसके चिंतन में एकांगी देखने को मिलते हैं। अगला है सामाजिक समझौते और सामान्य इच्छा में कोई संगति नहीं है। तो देखिए सामाजिक समझौते और सामान्य इच्छा में सामाजिक समझौते और सामान्य इच्छा में सामान्य इच्छा में कोई संगति नहीं है। तो देखिए सामाजिक समझौते और सामान्य इच्छा में हमें कोई संगति देखने को नहीं मिलती है। रूसो का जो चिंतन है उसमें जो है सामान्य इच्छा और इन दोनों अवधारणाओं में विरोध हमें देखने को मिलता है कि समझौता तो क्या है कृत्रिम संस्था राज्य को ठहराता है जबकि सामान्य इच्छा जो है राज्य समस्त नागरिकों के सामूहिक व्यक्तित्व का सर्वोत्तम स्वरूप है। तो इसमें कोई संगति नहीं है कि राज्य सामाजिक समझौते के द्वारा कृत्रिम है लेकिन जो सामान्य इच्छा जो है वो क्या करती है सामान्य इच्छा के द्वारा व्यक्ति जो है उसका सर्वोत्कृष्ट स्वरूप जो है राज्य के हाथों में चला जाता है और राज्य जो है व्यक्ति का सर्वोत्तम स्वरूप जो है उसमें हमें देखने को मिलता है कि राज्य किस प्रकार से व्यक्ति के लिए आवश्यक है और उसका सर्वोत्कृष्ट स्वरूप राज्य के द्वारा ही निखर कर आता है। तो देखिए इस प्रकार से सामाजिक समझौते और सामान्य इच्छा में कोई संगति देखने को नहीं मिलती। तो देखिए रूसो के विचारों की आलोचनाओं के बावजूद भी रूसो का जो है राजनीतिक विज्ञान में उसकी महत्वपूर्ण देन है। तो कई बार आपके बीच प्रश्न आ जाता है कि हमने पूरी तरह से स्पष्ट रूप से रूसो का समग्र रूप से चिंतन आपको समझाया है ये कई बार ये प्रश्न आ जाता है तो हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार पॉइंट आउट हम कर लेते हैं और वो हमारे को उसके उत्तर में देना होता है कि रूसो के चिंतन की राजनीति विज्ञान को महत्वपूर्ण देन क्या है। तो मैं आपको पॉइंट के रूप में बता देता हूं यदि प्रश्न आता है तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया रूसो के चिंतन में क्या क्या जो है महत्वपूर्ण जो है वो आपको बताया है अभी उसको एक बार लिस्ट आउट और कर लेते हैं हम कि किस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से देना है। तो मैं पॉइंट आपको अभी समझा देता हूं कि रूसो के चिंतन की राजनीति विज्ञान को महत्वपूर्ण देन क्या है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि रूसो के चिंतन की जो है महत्वपूर्ण देन क्या है। तो देखिए रूसो की राजनीति विज्ञान को महत्वपूर्ण देन रूसो की राजनीति विज्ञान को महत्वपूर्ण देन क्या है। देखिए इसका पहला पॉइंट है
सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो मैंने आपको बताया था, सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो रूसो ने अपना एक महत्वपूर्ण विचार प्रतिपादित किया सामान्य इच्छा के द्वारा, और सामान्य इच्छा के द्वारा उसने शासन को जनसहमति पर आधारित माना कि शासन जो है जनसहमति पर आधारित होना चाहिए, और शासन की सत्ता जो होती है वो जन स्वीकृति पर आधारित होती है। लेकिन सामान्य इच्छा हम देखते हैं अलग रूप में, वो निरंकुश है और उसमें जो है स्थायित्व होता है, निरंकुश होती है। लेकिन फिर भी रूसो ने अपने सामान्य इच्छा के सिद्धांत के द्वारा जो है प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो मैं आपको इसमें खाली एक पॉइंट आउट ही करूंगा और आपको मैंने पूरा इसमें बता दिया है। तो पहली तीन है सामान्य इच्छा का सिद्धांत, दूसरा है लोकप्रिय प्रभु संप्रभुता की धारणा। तो देखिए लोकप्रिय जो है संप्रभुता की धारणा रूसो ने बताई, लोकप्रिय संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा। तो देखिए रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा उसने बताई। रूसो से पहले कई विचारक हुए हैं, बोंदा, हॉब्स, इन्होंने संप्रभुता की अवधारणा पर स्पष्ट रूप से अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। तो रूसो ने जो है, जैसे कि हॉब्स की संप्रभुता निरंकुश संप्रभुता, बोंदा भी इसी श्रेणी में है, लेकिन रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता की बात की तो ये निरंकुश संप्रभुता से अलग है, जिसमें उसने शासन का आधार सामान्य इच्छा को माना। सामान्य इच्छा वो कहता है कि आदर्श इच्छाओं का योग है, तो उसने जन सहमति पर आधारित शासन की बात की, इसलिए हम कहते हैं कि रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा जो है प्रतिपादित की। तो इस कारण से रूसो के चिंतन में हमें लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा सबसे पहले रूसो ने दी। तो रूसो के चिंतन में हमें लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, कि जैसे कि हॉब्स ने निरंकुश संप्रभुता की बात की कि इसने बताया कि राज्य जो है सर्वोच्च है, और राज्य सर्वोच्च संस्था होने के कारण राज्य निरंकुश शक्ति से युक्त है, क्योंकि राज्य के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी सत्ता का नियंत्रण नहीं है, राज्य की सत्ता अमर्यादित अनियंत्रित है। तो शासन का स्वरूप किस प्रकार का है, निरंकुश शासन का स्वरूप है। लेकिन रूसो का जो शासन का स्वरूप वो लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है, कि रूसो ने सामान्य इच्छा की बात की और उसने सामान्य इच्छा को बताया कि जन सहमति पर आधारित, जन स्वीकृति पर आधारित, चाहे से वो सामान्य इच्छा निरंकुश हो, लेकिन फिर भी रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा जो है प्रतिपादित की। अगली उसकी देन है वो है व्यक्ति और राज्य में स्वस्थ संबंधों का प्रतिपादन। तो देखिए व्यक्ति और राज्य में स्वस्थ संबंधों का प्रतिपादन। तो देखिए रूसो ने व्यक्ति और राज्य में अच्छे संबंधों के प्रतिपादन की उसने बात की, प्रतिपादन किया उसने कि व्यक्ति और राज्य में स्वस्थ संबंध होने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो है वो राज्य के लिए जो है व्यक्तियों के लिए कार्य करता है, और व्यक्ति के लिए जो है राज्य क्या है, अनिवार्य संस्था है, क्योंकि व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपना सर्वोत्कृष्ट कल्याण कर सकता है। राज्य व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य संस्था है, और राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपना जो है सर्वांगीण विकास कर सकता है। इसलिए व्यक्ति और राज्य में अच्छे संबंधों की उसने बात की, जो कि उसकी एक महत्वपूर्ण देन है। अगला है
राज्य और सरकार में अंतर का स्पष्टता पूर्वक प्रतिपादन किया है। तो देखिए, राज्य और सरकार में राज्य और सरकार में स्पष्ट रूप से अंतर का प्रतिपादन किया है। रूसो के चिंतन में हमें स्पष्ट रूप से राज्य और सरकार अलग अलग देखने को मिलती है, जबकि कई विचारकों के चिंतन में हमें राज्य और सरकार का मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है, जैसे कि हॉब्स के चिंतन में। लेकिन रूसो ने राज्य और सरकार में स्पष्ट रूप से भेद किया है, जो कि हमें और अन्य किसी भी विचारक में देखने को नहीं मिलता। तो इस प्रकार से रूसो ने राज्य और सरकार में स्पष्ट रूप से भेद किया है। अगला है राष्ट्रीयता की भावना का प्रतिपादन। राष्ट्रीयता की भावना का प्रतिपादन रूसो ने देखिए राष्ट्रीयता की भावना का प्रतिपादन स्पष्ट रूप से किया है। उसके चिंतन में राज्य की एकता और सुदृढ़ता की भावना हमें देखने को मिलती है, और इस प्रकार से उसने राष्ट्र भक्ति का जो है वो है उसने आदर्श प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना भी हमें उसके चिंतन में देखने को मिलती है। अगला है आधुनिक संविधानवाद का संकेत। तो देखिए, आधुनिक संविधानवाद का संकेत भी हम उसके चिंतन में देखने को मिलता है। किस प्रकार से आधुनिक संविधानवाद का देखिए रूसो ने किस प्रकार से स्पष्ट रूप से जो है कानून और सरकार द्वारा उसने बताया कि किस प्रकार से संप्रभुता जनता द्वारा निर्मित कानून और सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालिका आदेशों में उसने भेद किया है। और उसने ये बताया है कि कार्य जो है वो कार्यपालिका व्यवस्थापिका में स्पष्ट रूप से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए, उसने कार्यपालिका द्वारा निर्मित जो है आदेशों के बारे में उसने बताया कि कार्यपालिका किन किन कार्यों को करती है, और उसके कार्यों को जो है उसने स्पष्ट रूप से बताया है। इसी प्रकार से उसने व्यवस्थापिका के कार्य भी बताए हैं। तो इस प्रकार से आधुनिक संविधानवाद के हमें स्पष्ट उसमें संकेत देखने को मिलता है कि आधुनिक संविधानवाद में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है, उन्हें किस प्रकार के अलग अलग कार्य करने हैं। तो रूसो के चिंतन में भी हमें आधुनिक संविधानवाद का संकेत देखने को मिलता है कि उसने किस प्रकार से कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के अलग अलग कार्य बताए हैं, कानूनों का जो है उसने स्पष्ट रूप से उसने जो है बताया है। तो इस प्रकार रूसो के चिंतन में हम इन सब चीजों को देखते हैं। तो इसका समग्र रूप से जब हम मूल्यांकन करते हैं, हम ये देखते हैं कि रूसो का चिंतन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और रूसो के चिंतन में हमें लोकतंत्र, निरंकुश शासन, समाजवाद और व्यक्तिवादी विचारधारा का हमें जो सम्मिश्रण देखने को मिलता है। तो हम ये कहते हैं कि रूसो के चिंतन में हमें इन सब का संगम देखने को मिलता है। तो रूसो की राजनीति विज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण देन है, और रूसो का जो चिंतन है वो वास्तव में बिल्कुल एक अलग स्पष्ट रूप से जो है उसने अपने चिंतन में व्यक्तिवाद, समाजवाद, निरंकुशवाद और लोकतंत्रवादी विचारधारा का जो है उसने समावेश किया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि रूसो का चिंतन जो है राजनीति विज्ञान को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी देन है, लोकप्रिय संप्रभुता
उसका सामान्य इच्छा का सिद्धांत और उसका जो है राष्ट्रीयता की भावना का जो उसने प्रतिपादन किया है। तो इन सब चीजों का जब हम स्पष्ट रूप से हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि रूसो का जो चिंतन है समग्र रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है और राजनीति विज्ञान को जो है उसकी महत्वपूर्ण देन इस रूप में हम देख सकते हैं।